हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डॉक्टर आकाश किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है, एक अलग आटे से बना के हम आज मुठिया बनाने वाले हैं, और वो जादुई आटा है, रागी का आटा यानी नागली का आटा। और ये हम रागी के मुठिया हम बनाने वाले हैं। रागी, जैसे आप जानते हैं, इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल में रखती है। तो आज जो हम ये मुठिया बनाने वाले हैं, एकदम न्यूट्रिशियस और यमी, और ये ग्लूटेन फ्री आप कह सकते हैं हम मुठिया बनाने वाले हैं। तो चलो अभी मुठिया बनाने को लेते हैं। तो ये परात ली है मैंने, इसमें मैं एक कटोरी में ये लौकी डालूंगी, दूधी जिसे कहा जाता है, उसको मैंने अच्छी तरह से ऊपर का छिलका निकाल के कद्दूकस कर लिया है। और आटे में जो है ये एक एक कटोरी में आटा लूँगी, ये जो नागली का आटा है, नागली जो है इसको पीस के लाया है। और एक कटोरी में यहाँ पे ज्वार का आटा लूँगी, और ज्वार और नागली ये दोनों में इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कुछ है नहीं, तो इसमें जो बाइंडिंग के लिए हम डालने वाले हैं आटे को बांधने के लिए, आधी कटोरी में यहाँ पे बेसन का आटा लूँगी। तो अभी पहले हम सब सूखे मसाले जो है वो हम डाल देंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे नमक, 2 टीस्पून नमक, और आटा डाल रहे हैं हम बेसन का, तो इसमें हम डालेंगे हींग, तो 1-1 टीस्पून ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। और लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ का पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, और ये जो मिक्सचर है अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये तीनों को पाउडर करके ये इसमें डाला है। धनिया पाउडर 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, और इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। और मुठिया को अच्छा टेस्ट आने के लिए हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, क्योंकि नागली को कुछ टेस्ट रहता नहीं नागली को, तो ये जो टेस्ट हमारे मुठिया को आने वाला है ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसके टेस्ट से आएगा। और खूब सारा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले जो लौकी ली है हमने, दूधी ली है, उसके साथ में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मुठिया हमारे अच्छे थोड़े सॉफ्ट होने के लिए इसमें मैं 1 छोटा टीस्पून मैं इसमें दही डालूंगी, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अभी हम मिक्स कर लेंगे। और मुठिया को और अच्छा टेस्ट आने के लिए हम इसमें डालेंगे गुड़ का पानी। गुड़ को मैंने पानी में 1/2 टीस्पून गुड़ लिया था, पानी में मिक्स करके रखा था, और ये गुड़ का पानी जो है हम इसमें डालेंगे। इससे हमारे मुठिया को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी सब आटे हम इसमें डाल देंगे। तो 1 कटोरी नागली का आटा, आधी कटोरी बेसन का आटा, और 1 कटोरी हम ज्वार का आटा लेंगे। आपके चॉइस के हिसाब से आप इसमें आटा डाल सकते हैं, अपने को गेहूं का आटा डालना है, चावल का आटा डालना है, लेकिन यही 3 जो आटे हैं हमारे, इससे हमारे ये मुठिया अच्छी तरह से ये टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, दूधी के पानी में आटा हमारा इतना गूंद चुका है, अभी इसमें थोड़ा सा हमें पानी डाल के सॉफ्ट एक आटा हमें बना लेना है, ज़्यादा पानी डालना नहीं है, ये तो दूधी और ये पानी जो है इससे पतला हो सकता है हमारा आटा। तो थोड़ा सा पानी डाल के आटा जो है हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नागली की वजह से आटा जो है हमारा कितना अच्छा ये कलर आया है आप देख सकते हैं, और एकदम सॉफ्ट ये आटा हमारा गूंद चुका है। देखिए, आटे को हमें रेस्ट रखना नहीं है, क्योंकि हमने इसमें लौकी और धनिया डाला है, दही डाला है, तो आटा हमारा ये ढीला हो सकता है। तो अभी जिसमें हमें मुठिया को स्टीम करना है, बाफना है, ऐसी छन्नी ली है, उसमें मैंने ये इको बेक का ये एक ऐसा पेपर डाल दिया है, और मुठिया अभी जो है हम बनाने को लेते हैं। आपको जैसे चाहिए, कोई छोटे बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं, तो मैं जो है ये ऐसे रोल बना के आपको दिखाऊंगी ये मुठिया। तो ऐसे थोड़ा आटा लेके ऐसे इसका हमें लंबा रोल ऐसे बना लेना है। ये देखिए आटा कितना अच्छी तरह से हमारा ये गूंद चुका है, ये देखिए, और उसमें हमारा हरा धनिया, तिल कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सब मुठिया हमारे बन चुके हैं। इतने में हमारे ये ऐसे 6 रोल हमारे
बन के तैयार हो जाते हैं इतने से आटे में। और इसको जो है मुठिया को अभी हमें स्टीम करना है, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, और ये जो छन्नी है इसके ऊपर मैं रख दूँगी। पानी अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका था और इसके ऊपर अभी हमें ढक्कन रख के अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक हमें मुठिया को जो है स्टीम कर लेना है। स्टीम ये बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, जल्दी इसको निकालना नहीं है, नहीं तो फिर अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं और फिर आटा जो है हम जब ये पकाते हैं खाते हैं तो वो कच्चा आटा हमारे मुंह में आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 मिनट के बाद ये हमारी मुठिया, देखिए कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है, नागली की वजह से पूरा कलर इसका मुठिया का हमारा चेंज हो चुका है। और ये पक गए, ये कैसे हमें देखना है तो छुरी डाल के देखना है, और छुरी ये पूरी ऐसी ये साफ़ निकलनी चाहिए। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और मुठिया को जो है हम ठंडा करने को रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही मुठिया को काटना है, गरम इसमें मुठिया को कभी काटना नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये ठंडे हो चुके हैं हमारी मुठिया, और नागली की वजह से ये कलर देखिए कितना बढ़िया ये कलर आया है, ये जो रेडिश ब्लैक कलर आया है ये नागली के वजह से आया है। तो चलो अभी इसे काटते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से जैसे आपको काटना है, 1 इंच के साइज़ के, 2 इंच के साइज़ के, वैसे आप ये मुठिया को जो है ऐसे छोटे छोटे पीसेस में आप काट सकते हैं। और 2 तरीका बताऊंगी मैं इसको कैसे खाते हैं। वैसे तो कुछ लोगों को तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन 2 तरीका मैं बताऊँगी आपको। तो ये देखिए ये सब हमने मुठिया जो है हमारे ऐसे पीसेस में हमने काट लिए हैं, राउंड पीसेस में। कोई इसको तड़का देता है लेकिन मैं आपको एक इजी सिंपल मेथड दिखाऊंगी। तो एक पैन लिया है मैंने, पैन को जो है हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और ये जो मुठिया है हमारे एक एक करके हमें ये पैन के ऊपर हमें रख देना है, और अच्छी तरह से अलट पलट करके हमें दोनों साइड से इसको क्रिस्पी कर लेना है। अंदर से तो ये सॉफ्ट पके ही है, सिर्फ दोनों साइड से हमें इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे ये क्रिस्पी बने हैं हमारी ये मुठिया, दोनों साइड से हम इसको अभी पका लेते हैं। एकदम यमी टेस्टी ये नागली के जो है रागी के हमारी ये मुठिया बनते हैं। अभी दूसरा तरीका है फ्राई करके। तो तेल को मैंने गरम कर लिया था, और गरम होने के बाद मुठिया जो है हम गरम तेल में डाल के इसको क्रिस्पी ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, और दोनों की टेस्ट जो है रोस्ट शैलो फ्राई जो हमने किए हैं उसकी अलग आती है, और फ्राई किए हुए जो रहते हैं उसकी अलग आती है, क्योंकि फ्राई किए हुए जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली होते नहीं हैं, क्योंकि इसमें ये ज्वार का आटा है और नागली का आटा है। ये तो सिर्फ जो हम बेसन के बनाते हैं कभी कभी बहुत ऑयली हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये रागी के मुठिया, नागली के मुठिया रेडी है, अच्छी तरह से ये क्रिस्पी ब्राउन हो चुके हैं। तो बाकी भी जो हमारी मुठिया है उनको अच्छी तरह से हम क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी ये आज की मेरी ये रेसिपी आपको, और आप भी ये नए तरीका जो है मुठिया का, नया आटा लेके आप बना के देखिएगा। तो चलो अभी सर्व करते हैं हमारी ये मुठिया। तो ये देखिए पहले जो मैं सर्व कर रही हूँ ये शैलो फ्राई किए हुए जो है वो सर्व कर रही हूँ, और ये दूसरे जो है ये जो हमने फ्राई किए हैं ऑयल में डीप फ्राई किए हैं वो हमारी ये मुठिया है। और ये मुठिया, दोनों मुठिया हमारे अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए ये पहला वाला जो है ये शैलो फ्राई किया हुआ, और ये दूसरा जो है ये डीप फ्राई किया हुआ। कलर तो वैसे दोनों का सेम लग रहा है, और बाहर से एकदम ये बढ़िया हमारी ये मुठिया दिख रहे हैं, और एकदम बाहर से ये क्रिस्पी हमारे ये मुठिया बने हैं, और अंदर से एकदम सॉफ्ट मुठिया बने हमारे। तिल देखिए और आटा ये देखिए फ्रेंड्स कितना
कितने अच्छे ये हमारे मुठिया बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रागी के मुठिया ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत यम्मी टेस्टी और एक न्यूट्रिशियस ये रेसिपी है। बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सब खा सकते हैं। इवनिंग स्नैक, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, टिफ़िन में आप दे सकते हैं बच्चों को। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।